अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम जो टॉपिक ऑनलाइन स्टार्ट करने जा रहे हैं, जहां से हमारा रिमेनिंग टॉपिक था वो है स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन एंड टाइप्स ऑफ न्यूरॉन। तो आज हम डिस्कस करेंगे न्यूरॉन के बारे में। हमारी बॉडी के अंदर, एनिमल बॉडी के अंदर, जिस तरह के दूसरे सेल्स होते हैं, इसी तरह हमारी बॉडी के अंदर भी एक सेल है जिसका नाम है न्यूरॉन। और जैसे कि वो दूसरे सेल, किसी सेल का काम ये होता है सेक्रीशन करना, किसी सेल मसल सेल का काम है कंट्रैक्शन करवाना। अब ये सेल भी हमारी बॉडी के अंदर, एनिमल की बॉडी के अंदर, ये अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन क्या देते हैं, ये मैसेज को कन्वे करते हैं, कंडक्ट करते हैं, मैसेज को कैरी करते हैं। जैसा कि मैंने अभी बताया है कि कुछ सेल सेक्रीशन करते हैं, कुछ सेल मसल की कंट्रैक्शन करवाते हैं, और न्यूरॉन सेल्स क्या करवाते हैं, ये मैसेज को रिसीव करते हैं बॉडी से और मैसेज को ये कन्वे करते हैं। मीन के इनका ये काम होता है कि बॉडी के साथ रابطہ करना, बॉडी के साथ कम्युनिकेशन करना, और हमारी बॉडी के अंदर ये क्या करवाते हैं, ये कम्युनिकेशन करवाते हैं। तो जिसको हम क्या कहते हैं, नर्व सेल कहते हैं, न्यूरॉन सेल कहते हैं। तो न्यूरॉन्स क्या है, इसको हम कहते हैं द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। हमारे सिस्टम का ये एक यूनिट है, जिसे कि हम कहते हैं कि लाइफ जो है वो किसके ऊपर कंसिस्ट है, वो सेल के ऊपर कंसिस्ट है। हमारी पूरी बॉडी जो है वो किसके अंडर है, हमारे नर्वस सिस्टम के अंडर है। हम जितने भी फंक्शन परफॉर्म करते हैं, तो हमारी जो हदायत जो हमारी बॉडी से हमें जो वॉलंटरी फंक्शन करवाती है, तो वो हमारा नर्वस सिस्टम करवाता है। तो हमारा नर्वस सिस्टम जो है वो किसके जरिए करवाता है, वो न्यूरॉन के जरिए। तो इसीलिए हम कहते हैं स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। ये नर्वस सिस्टम का एक स्ट्रक्चरल और फंक्शन यूनिट है, जिसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं न्यूरॉन। अब अदर हायर एनिमल्स के अंदर, मीन के ह्यूमंस के अंदर अदर न्यूरोग्लियल सेल होते हैं। यहां पे मैं वर्ड लिखा है न्यूरोग्लिया। ये जो न्यूरोग्लिया सेल होते हैं, ये न्यूरॉन को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं, उसकी ये प्रोटेक्शन करते हैं। तो पूरा जो नर्वस सिस्टम है ह्यूमन का, जिसमें हाफ जो नर्वस सिस्टम जो है वो किसके ऊपर कंपोज्ड है, वो न्यूरोग्लिया सेल के ऊपर कंपोज्ड है। और ये न्यूरोग्लिया सेल जो है, ये न्यूरॉन को क्या करते हैं, ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। ये हाफ ऑफ नर्वस सिस्टम, हाफ ऑफ नर्वस सिस्टम का क्या कहलाते हैं, न्यूरोग्लिया कहलाते हैं इन हायर एनिमल्स एंड ह्यूमंस। ये क्या करते हैं, ये माइलिन शीथ बनाते हैं। न्यूरोग्लिया सेल का ये काम होता है कि न्यूरॉन को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना और उसकी प्रोटेक्शन करना, और उसके अंदर माइलिन शीथ है वो उसको ये बनाते हैं। तो न्यूरॉन्स की यहां पे थ्री टाइप्स हैं। कौन कौन सी टाइप है, सेंसरी न्यूरॉन, एसोसिएटिव न्यूरॉन्स, या इसको कहते हैं इंटर न्यूरॉन, या इसको हम कहते हैं रिले न्यूरॉन। एसोसिएटिव भी कहते हैं, इंटर भी कहते हैं, रिले भी कहते हैं। और मोटर न्यूरॉन, हम जानते हैं कि सेंसरी न्यूरॉन्स क्या होती हैं, वो न्यूरॉन्स हैं जो बॉडी से स्टिमुलस को रिसीव करती हैं और वो मैसेज जो है वो ब्रेन तक पहुंचाती हैं। तो इसको हम कहते हैं सेंसरी, जो कि हमारे सेंस पार्ट के अंदर रिसेप्टर सेल होते हैं, वो किसी भी स्टिमुलाई को रिसीव करते हैं, फिर वो मैसेज जो है वो इन न्यूरॉन को देते हैं, और ये न्यूरॉन मैसेज को लेके ब्रेन तक पहुंचाती हैं। इसको हम क्या कहते हैं, सेंसरी न्यूरॉन्स। एसोसिएटिव न्यूरॉन्स क्या होती हैं, जो कि सेंसरी और मोटर के दरमियान में एसोसिएशन करती हैं, जो कि स्पाइनल कॉर्ड के अंदर प्रेजेंट है। एसोसिएटिव न्यूरॉन्स इन्होंने क्या करना है, इन्होंने ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के दरमियान कोऑर्डिनेशन करके बॉडी से कोई ग्लैंड से सेक्रीशन करवा के
बॉडी को क्या करना होता है, इफेक्टर के जरिए, मोटर न्यूरॉन के जरिए उसको रिस्पॉन्स करना होता है, उसको हम कहते हैं एसोसिएटिव न्यूरॉन्स। तो यहां पे मोटर न्यूरॉन्स क्या करती हैं, ये इफेक्टर के जरिए बॉडी को रिस्पॉन्स करती हैं, जहां से स्टिमुलस आई होती है और वहां पे उन्होंने इसके जरिए मोटर न्यूरॉन के जरिए क्या करना होता है, रिस्पॉन्स करना होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, मोटर न्यूरॉन्स। अब हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं, न्यूरॉन का जो स्ट्रक्चर है तो स्ट्रक्चरली देखा जाए तो इसके थ्री पार्ट्स हैं। सबसे पहला इसका जो पार्ट है जिसको हम कहते हैं सेल बॉडी, और सेल बॉडी को दूसरे वर्ड में हम कहते हैं सोमा। सोमा का मतलब होता है बॉडी। और दूसरा इसका पार्ट है डेंड्राइट्स, और तीसरा इसका पार्ट है एक्सॉन। सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि सेल बॉडी क्या है। यहां पे हम देखें, ये हमारे पास न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है, तो न्यूरॉन का ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये तीन पार्ट के ऊपर कंसिस्ट है। ये जो आपको ब्रांच लाइक ये जो स्ट्रक्चर नजर आ रही है, दिस ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर इज आल्सो कॉल्ड डेंड्राइट्स। और ये डेंड्राइट है, पहले एक सिंगल डेंड्रॉन निकलती है, यहां से एक ब्रांच निकलती है और वो आगे इसकी फर्दर स्मॉलर ब्रांचेस बनती हैं, और वो जो आगे फर्दर स्मॉलर ब्रांचेस बनती हैं उनको कहा जाता है डेंड्राइट्स। सिंगल को कहते हैं डेंड्राइट या उसको कहते हैं डेंड्रॉन। डेंड्रॉन का क्या काम होता है, ये बेसिकली बॉडी के अंदर कैरी इंपल्स टुवर्ड द सेल बॉडी। यहां पर देखें, ये जो डेंड्राइट्स हैं ये इंपल्स को सेल बॉडी की तरफ इंपल्स को लेके आती हैं। डेंड्राइट्स कैरी इंपल्स टुवर्ड द सेल बॉडी। ये जो आपको इसका जो सारा सेल का जो स्ट्रक्चर ये वाला जो नजर आ रहा है इसको हम कहते हैं सेल बॉडी। और सेल बॉडी का मेजर फंक्शन क्या होता है कि इसके अंदर साइटोप्लाज्मिक प्रोसेस होता है। यहां पर बात करता हूं कि इसके अंदर सेल बॉडी के अंदर कौन सा प्रोसेस होता है, साइटोप्लाज्मिक। इसके अंदर साइटोप्लाज्मिक प्रोसेस हो रहा होता है। इसको साइटोप्लाज्मिक प्रोसेस क्यों कहते हैं, क्योंकि साइटोप्लाज्म के अंदर तमाम ऑर्गेनेल्स हैं, यहां पे इसके अंदर इंबेडेड है और वो बहुत यहां पे फंक्शन परफॉर्म करते हैं। हम यहां पे देखते हैं कि कौन कौन से ऑर्गेनेल्स जो है वो सेल बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, जो कि बहुत सारे यहां पे फंक्शन जो है वो परफॉर्म कर रहे हैं। तो इसके अंदर हम देखते हैं सेल बॉडी के अंदर ग्रुप ऑफ राइबोसोम्स, और ये जो ग्रुप ऑफ राइबोसोम जो है जिनको हम कहते हैं निजल ग्रैन्यूल्स। ये जो ग्रुप ऑफ राइबोसोम जिनकी एसोसिएशन होती है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ, जो के एब्सेंट होते हैं एक्सॉन के अंदर, ये एक्सॉन के अंदर ये नेजल ग्रैन्यूल प्रेजेंट नहीं होते। नेजल ग्रैन्यूल्स मैंने फिर इसको रिपीट करता हूं कि ग्रुप ऑफ राइबोसोम इनकी एसोसिएशन होती है किसके साथ, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गॉल्जी अपरेटस और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ ग्रुप ऑफ राइबोसोम या उसको कहते हैं निजल ग्रैन्यूल्स, इनकी उनके साथ एसोसिएशन होती है। इसके अलावा इसके सेल बॉडी के अंदर अदर ऑर्गेनेल्स क्या होते हैं, इसके अंदर होते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स, इसमें प्रेजेंट है न्यूरोफिब्रल्स, इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है, जो कि न्यूरॉन की जब नर्व इंपल्स जनरेट होती है तो एटीपी उसको सप्लाई होती है, उसमें कौन है, वो माइटोकॉन्ड्रिया। ये तमाम ऑर्गेनेल्स ये किसके अंदर प्रेजेंट है, प्रेजेंट थ्रू आउट एक्सोप्लाज्म। व्हाट इज एक्सोप्लाज्म, हम बात करते हैं कि ये जो इसका जो एक्सॉन का साइटोप्लाज्म है, क्योंकि यहां से एक्सॉन यहां से राइज कर रहा है, इसका ये जो साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म के अंदर जो तमाम ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट हैं जिसको हम कहते हैं एक्सोप्लाज्म, ये साइटोप्लाज्म ऑफ एक्सॉन कहलाता है। इसके अंदर क्या होता है कि ये बायोसेंसिस का प्रोसेस करता है। ये बायोसेंसिस यहां पे जो हो रही है
जो कि एक न्यूरॉन को ये तमाम मटेरियल जो है वो प्रोवाइड करता है, क्योंकि तमाम मटेरियल जो है इसके लिए ये जरूरी होते हैं, क्योंकि वो इंपल्स को जनरेट कर सके, एक्सॉन को डेवलप कर सके, डेंड्राइट्स को डेवलप कर सके, क्योंकि जब इन्होंने अपने सेल को डेवलप करना होता है और सेल के अंदर तमाम ये जो प्रोसेस होता है इसको हम कहते हैं बायोसिंथेसिस। और सेल बॉडी जो है इसका मेन फंक्शन ये होता है कि इसने बायोसिंथेसिस करनी होती है, और इसने क्या करना होता है, इसने जो है इसने जनरेट करवाना होता है एक्सॉन को और डेंड्राइट्स को। बेसिकली ये न्यूरॉन है, ये बेसिकली ये कंप्लीट सेल जो है ये कहां से राइज करते हैं, ये कहां से बनते हैं, ये स्टेम सेल से बनते हैं। जैसा कि हमने बोन सेल की बात की थी, तो बोन सेल जो है ऑस्टियोसाइट है, ऑस्टियोक्लास्ट है, ऑस्टियोब्लास्ट है, तो वो सेल कहां से बनते हैं, वो स्टेम सेल से बनते हैं। इनको भी कौन बनाता है, इनको भी स्टेम सेल प्रोड्यूस करते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, जब न्यूरॉन जो है ये सेल मैच्योर हो जाते हैं तो फर्दर इनकी डिवीजन नहीं होती, ये फर्दर डिवाइड नहीं करते। इमैच्योर स्टेज के ऊपर ये सेल रीजनरेट हो सकते हैं, एक्सॉन डेवलप हो सकता है, डेंड्राइट डेवलप हो सकते हैं, लेकिन जब न्यूरॉन की मैच्योरिटी हो जाती है तो ये फर्दर इनकी डिवीजन नहीं होती। अगर मैं बात करता हूं ये जो डेंड्राइट्स हैं, डेंड्राइट्स का काम क्या होता है, कैरी इंपल्स टुवर्ड द सेल बॉडी, और ये जो सिंगल फाइबर की फॉर्म में होता है तो उसको हम कहते हैं डेंड्रॉन, या उसको हम कहते हैं डेंड्राइट। अगर ये छोटे छोटे मिलके बहुत ज्यादा ये क्लस्टर्स मिलके ट्री लाइक ब्रांचेस बनाते हैं तो फिर हम इनको कहते हैं कि ये क्या है, डेंड्राइट्स हैं। मीन के अगर आप इसका ऊपर से स्ट्रक्चर देखें, ये जो छोटी छोटी आपको ब्रांचेस नजर आ रही हैं, दिस इज आल्सो कॉल्ड डेंड्राइट्स। एक्सॉन है, एक्सॉन ये न्यूरॉन के अंदर जो एक लॉन्ग लेंथ है, अगर इसको देखा जाए तो मोर देन 1 मीटर इसकी लेंथ होती है, और समटाइम कुछ सेल के अंदर इनकी लेंथ इससे भी ज्यादा इंक्रीज हो सकती है। तो यहाँ पे ये देखें, ये है एक्सॉन, और एक्सॉन के अलोंग जो है यहाँ से जो गुजरती है, इसमें से मोटर न्यूरॉन गुजरती है। इसने क्या करना होता है, जहां से बॉडी से कोई स्टिमुलस आती है रिसेप्टर सेल से, यहाँ पे देखें मैंने यहाँ पे मसल को शो किया है, ये मैंने थोड़ी सी स्ट्रक्चर यहाँ पे शो की है मसल की, और मसल के साथ इस नर्व का जो है एक्सॉन का जो एंड है इसको हम कहते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। यहाँ पे रिसेप्टर सेल से स्टिमुलस रिसीव होती है, और ये स्टिमुलाई रिसीव कौन करती है, सेल से न्यूरॉन, और फिर ये ब्रेन तक पहुंचाती है। अब ब्रेन के अंदर जो है वो स्पाइनल कॉर्ड है, और वो ब्रेन के साथ उसकी एसोसिएशन करवाता है बॉडी से, किसी ग्लैंड से किसी केमिकल की सिक्रीशन करवा के उसने बैक मसल को उसने क्या करना होता है, उसने मोटर न्यूरॉन के जरिए उसको रिस्पांस करना होता है। तो इसको हम कहते हैं एक्सॉन। एक्सॉन के अगर बाहर हम देखें तो यहां पे देखें आपको इसके गिर्द जो है कुछ सेल नजर आ रहे हैं जिनको हम कहते हैं श्वान सेल्स, और श्वान सेल को दूसरे वर्ड में हम कहते हैं न्यूरोग्लिया सेल, और ये न्यूरोग्लिया सेल होते हैं ये माइलिन शीट बनाते हैं, इसकी प्रोटेक्शन करते हैं, और ये नर्वस सिस्टम का जो है ये 50% जो है वो कंप्लीट एक नर्वस सिस्टम की डेवलपमेंट कर रहे होते हैं अदर देन न्यूरॉन। इसके अलावा ये माइलिन शीट जो है ये लिपिड से बनी होती है। आपने अगर मैट्रिक के अंदर अगर ये आपने न्यूरॉन का स्ट्रक्चर पढ़ा होगा तो इम्पल्स जो है इस एक्सॉन में से यहां से जो मोटर न्यूरॉन जो इंपल्स लेके जा रही है तो यहां से इंपल्स होती है वो जंप करके जाती है, क्योंकि ये जो माइलिन शीट होती है ये होती है नॉन माइलिनेटेड, और ये जो इसके अंदर आपको जो नोड नजर आ रहे हैं ये हैं माइलिनेटेड, और इंपल्स जो होती है वो कैसे ट्रेवल करती है, वो जंप करके जाती है, इसको हम कहते हैं जंपिंग इंपल्स, या दूसरे वर्ड में हम इसको कहते हैं साल्टेटरी इंपल्स। मीन के इंपल्स जो है वो कैसे ट्रेवल करती है, वो जंप करके जाती है, वो नोड टू नोड ट्रेवल करती है, इस वजह से इसको हम क्या कहते हैं जंपिंग इंपल्स कहते हैं, या इसको हम कहते हैं साल्टेटरी इंपल्स इंपल्स। सो आज का हमारा जो लेक्चर था वो था न्यूरॉन, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन्स एंड टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स एंड बॉडी पार्ट्स ऑफ न्यूरॉन्स।